हेलो स्टूडेंट, तो आज अपन गुरुनीति के एपिसोड में बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो मेरा नाम रिंकेश और मेरे साथ है देविंदर सर। तो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट की। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला गया है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस इन ए प्लेन। नॉन वर्टिकल लाइन का मीनिंग है कि उसका स्लोप क्या नहीं हो सकता, इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो जब क्वेश्चन में आपको लिखा हो नॉन वर्टिकल लाइंस, इसका मीनिंग आपको लाइन की इक्वेशन लेट करनी है बेटा y इक्वल टू mx plus c। हाँ, इसमें m जीरो हो सकता है क्योंकि m को जीरो लोगे तो y equal to c parallel to the x axis, ठीक है? तो इसमें only one variable है, तो आपको differential equation find out करनी है इसके respect में। तो सीधा क्या करो, x के respect में differentiation। तो क्या आएगा, dy by dx equal to m। तो simple सी बात है, इसमें two arbitrary constant है m and c, तो इसका order कितना होगा, two होगा। और एक बार और कर दो तो m element हो गया आपका, तो d square y upon dx square equal to 0। तो ये इसकी क्या होगी, differential बाई चांस अगर इस क्वेश्चन में बोला जाए नॉन होरिजेंटल लाइंस की लाइन क्या ना हो, होरिजेंटल ना हो, तो इसका मतलब फिर स्लोप आप क्या नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते, फिर स्लोप इनफाइनाइट हो सकता है, मतलब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। तो उस केस में लाइन क्या लेट करोगे आप इसमें, तो क्या अभी तो एम आपका जीरो हो सकता है, मतलब एम नॉट इक्वल टू टेंड्स टू इंफिनिटी। तो उस केस में आपको क्या लेना है, लाइन लेट करनी है। अगर आपने ये लिखी कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस केस में आपका m नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो m आपका इनफाइनिट हो सकता है। इसका मीनिंग आपको क्या करना पड़ेगा, m अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो आप पहले इसको m से डिवाइड कर दो। तो क्या आ गया, y अपॉन m इक्वल टू x प्लस c अपॉन m। अब आप चाहो तो इसका डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर एक काम करो c अपॉन m को b लेट कर दो, 1 / m को a लेट कर दो। तो क्या बन गया, ay इक्वल टू x प्लस b। इस केस में ये लाइन लेट करो। अब आप इजीली इसका क्या करो, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ताकि फटाफट a और b दोनों गया, तो a इक्वल टू क्या आ गया, dx अपॉन dy प्लस 0, और एक और कुछ क्या जाएगा, d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर पर 0, ठीक है ना। तो नॉन वर्टिकल के केस में लाइन ये लेट करो, और नॉन हॉरिजॉन्टल के केस में सीधा ये भी लिख सकते हो x इक्वल टू ay प्लस c, तो सेम ही बात होगी ना, या a my प्लस c, ठीक है। तो अभी तो सेकंड ऑप्शन है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। हां सर, देखो जो सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड में क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y ln y plus x y dash equal to 0। तो अपने को वैल्यू भी दे रखी है x बराबर 1 पर, क्या है e, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, y ln y plus x y dash dy dx, इसको सीधे लिख देते हैं अपन, dy by dx equals to 0। अब अपने को दिखाई दे रहा है क्या कि ये नॉर्मल अपना वेरिएबल सेपरेबल से अपन कर सकते हैं आराम से। तो क्या हो जाएगा, ये y, अच्छा y ln y सीधा वेरिएबल से कुछ y ln y है ना, तो क्या हो जाएगा ये, इसको अपन लिख देंगे सीधे, ये अपन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन y ln y dy, और कैसा माइनस का, इसको माइनस कर दो। हाँ, तो ये आ गया अपना क्या, माइनस ln x इक्वल्स टू, देखो ln y को t रखेंगे आप, तो ln y को t रखोगे तो 1 अपॉन y into dy क्या बन गया, dt। तो क्या हो जाएगा ये पूरा पूरा ln of ln y, हाँ, प्लस ln c। तो ln c में से करता हूं, इधर ऐड कर देता हूं ln c को, है ना। तो क्या हो जाएगा ये ln x को वर्क करो इक्वल्स टू, इसको मान ले जाते हैं, इसको मान लेंगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ x into ln y, यस सर। और यहां से आगे अपना c इक्वल्स टू x into ln y। हां, अब अपने को ये गिवन है कि जो x की वैल्यू यदि 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, e आ रही है, 1 पर आ रहा है e। तो क्या हो जाएगा ये, x को 1 y को e पुट करने पे बेटा c आ गया, इससे 1 0 आ गया ना, x equal to 1 ln e1, तो c 1 आ गया, तो देन आपका कर्व आ जाएगा x ln y equal to 1। तो इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। x को 1 पुट कर दो और ln e की वैल्यू 1, तो 1 into 1 1, तो c 1 आ गया, ठीक है। तो सर इसका कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन थर्ड, एक कर्व पासिंग थ्रू 2.3 एंड सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट, x पॉजिटिव है, तो बताओ कर्व की इक्वेशन क्या होगी। तो ये देखो सिंपल मेथड है, ध्यान रखें जब भी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो वेरिएबल, तो फिक्स मेथड है कि उसका क्या करो, न्यूटन्स लेबनीज़ फार्मूले से डिफरेंशिएशन करना है बस। तो सीधा क्या करते हो, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो कि इंटीग्रेशन में क्या करोगे, अपर लिमिट पुट करो x y x x का 1 माइनस लोअर लिमिट तो 0 है, 0 है, 0 होगा आपका, only x के रेस्पेक्ट में करना है, प्रोडक्ट लगाना है, x स्क्वायर का क्या होगा, 2x y x. प्लस x स्क्वायर y का y dy dx हो जाएगा,
और वाई एक्स का मीनिंग वाई एक तरीके से ध्यान रखना, क्या ये एक्स वाई इक्वल टू टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी ए डी वाई अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन में एक्स नॉन जीरो बोला गया, एक एक्स से एक्स कैंसिल कर सकते हो, बाकी एक्स स्क्वायर से तो सीधा ये जाएगा टू एक्स वाई, माइनस के वाई इक्वल टू एक्स डी ओ वाई डी एक्स। फिर क्या करो, उसमें वेरिएबल सेपरेट यूज करो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सीधा बन गए एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखो इसके बाद दो ऑप्शन है आपके पास, आप या तो एक्स वाई से डिवाइड कर दो या फिर अगर आपको पता हो एग्जैक्ट तो ये एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको लिख सकते हैं डी एक्स वाई इक्वल टू सी, देखो ना डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, एक्स को एजेंटी वाई का डी वाई प्लस वाई को एजेंटी एक्स का डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब आप इसका कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो इसका तो आ गया एक्स वाई और सी का आ गया जीरो का आ गया सी। फिर क्वेश्चन में आपको सी की वैल्यू को करना फाइंड आउट, तो एक काम करो 2.3 से पास हो रहे हैं सी की वैल्यू के लिए, क्वेश्चन में बोला गया कि दिस कर्व इज पासिंग थ्रू दी 2.36, तो सी 6 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा आपका 6, तो देन फोर्थ ऑप्शन इसका सही करेक्ट होगा। ठीक है सर, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करना है अपने को, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने को क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो पहले बड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको अपन, तो सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x, पहले मैं नॉर्मल लिख लेता हूं y डैश प्लस y इक्वल्स टू, देखो e की पावर x y। अब क्या होगा, e की पावर माइनस ln x स्क्वायर है तो ये नीचे आएगा, तो e की पावर में ln है, ln का बेस क्या होता है e होता है, तो क्या बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर, बाकी क्या बच गया x * dy / dx - y। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद में अब क्या हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा अपन सिंपलीफाई कर लेते हैं ना, तो इसको एलसीएम लेकर तो x * dy प्लस यहां पे dy / dx होगा, तो क्या लिख देंगे इसको y dx, और इधर क्या हो गया अपना e की पावर x y / में x स्क्वायर, और यहां भी क्या है x * dy, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा y dx, और एलसीएम कैंसिल हो गया, dx डाउन कर जाएगा, तो कैंसिल आउट कर दिया मैंने। अब इसको क्या लिख दोगे, बस दो स्टेप और है ना क्वेश्चन में, क्या x dy + y dx, तो इसको अपन लिख लेते हैं dx y, सीधा सीधे लिख लेते हैं dx y। और देखो यहां पर में ले आओ, हां, और अब देखो ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को कहां ले आऊं मैं इसके, ना ना इसको नहीं, e की पावर x वाई को ले चलते हैं, हाँ, इसको अपॉन में ले आओ, इसके बाद फिर अपन इसको t पुट कर देंगे, सीधा हो जाएगा e की पावर x वाई दिस अपॉन x इक्वल्स में आ गया x dy - y dx अपॉन में x स्क्वायर, तो दोनों ही ये देखो क्या x स्क्वायर है, ये क्या बन गया y / x dy / x, y / x का डेरिवेटिव है ये, और ये अपना डेरिवेटिव हो गया एक्स वाई का, और अपॉन में क्या है e की पावर एक्स वाई। अब आप कर लो इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो इससे तो भी हट जाएगा सर, बिल्कुल, और इधर देखो जब एक्स वाई को टी लेट करोगे ना e की पावर माइनस टी, तो e की पावर माइनस टी, तो माइनस e की पावर माइनस टी, तो e की पावर माइनस टी का ये हो गया, तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स वाई, और माइनस और आएगा इक्वल्स टू y / x + c, c ये आ गया अपने पास इसका सॉल्यूशन। देखते हैं क्या पूछा, अब अपने को सी और निकालना था, क्या सी नहीं ऐसे लिखना अपने को, अच्छा अपने को नॉर्मल सॉल्यूशन देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा, तो एक्स वाई को तो ले आओ आप, तो क्या आ गया y / x - e की पावर - x y = c, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन का सॉल्यूशन होगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग y / x - e की पावर - x y = c, तो इसका फर्स्ट आंसर ऑप्शन ही होगा, ठीक है, मतलब ये आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना था क्वेश्चन में। हां, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉनिक सेक्शन हुज एक्सिस कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट इज ऑफ ऑर्डर। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपके जितनी भी कॉनिक सेक्शंस हैं उनकी आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है, और जो उनकी एक्सिस है वो क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, मतलब उनको मानना है। सिंपल सी बात है, देखो सुनो कि ऐसे कौन कौन से कॉनिक सेक्शन ले सकते हैं जिसमें उनकी जो एक्सिस है वो क्या हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। तो देखो एक आप ये इलिप्स ले सकते हो स्टैंडर्ड इलिप्स, इसका भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होगा अलोंग होंगे, तो अलोंग होंगे एक्सिस प्रिंसिपल और मेजर और माइनर एक्सिस। हाइपरबोला की बात करोगे आप उनकी भी, तो अगर ये हाइपरबोला लेट करोगे आप स्टैंडर्ड, तो उनका भी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो दोनों क्या होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और अगर आप बात करोगे पैराबोला की, तो पैराबोला अगर आप ये स्टैंडर्ड लेते हो कोई सा भी ले लो, ये ले सकते हो कोई भी पेयर ले लो आप इन सब के केस में, या फिर पैराबोला ये भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ओरिजिन पे लेट करो ये, इन ऑल फोर के केसेस में
तो अपन को नॉर्मल केस में दिस पार्ट को लेट करना, क्योंकि इसकी केस में तो ये फिक्स हो जाएगा कि आपका वर्टेक्स क्या ओरिजिन हो, जीरो जीरो, ठीक है। तो इन ऑल थ्री केसेस की अगर आप बात करोगे तो इलिप्स के केस में इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। उसके बाद हाइपरबोला में माइनस जाएगा, और इसके केस में अगर वर्टेक्स आपका ए कोमा या बी को अल्फा कोमा जीरो है तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स माइनस अल्फा अल्फा। ये थ्री पॉसिबिलिटीज के केस में जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही आपकी क्या होंगी, इनकी एक्सिस होंगी ऑल थ्री कर्व की। तो देखो इन ऑल थ्री कर्व के अंदर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, टू होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन y = 2 एट 0, 2। तो देखो कुछ ऐसे है क्वेश्चन अपने से, क्या कह रहा है कि y = 2 और 0, 2 पे टच कर रहा है। तो देखो अब अपन ने क्या किया, मतलब सिंपल सा ये है क्वेश्चन कि y = 2 एक लाइन है और 0, 2 पर टच करने वाले सारे सर्कल्स के अपने क्या निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो कई सारे सर्कल होंगे, आपको पता है ना कई सारे सर्कल होंगे, तो इसके जब भी आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ना 2D में क्या पढ़ा आपने कि एक ऐसे अपन कह सकते हैं कि एक कर्व या एक सर्कल जो टच कर रहा है किसी भी लाइन को किसी सिंगल पॉइंट पे, तो अपन क्या कहते हैं पॉइंट सर्कल मान के सॉल्व करते हैं, सो नहीं करते, तो वही वाला फंडा अपन यूज कर लेते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, एक पॉइंट सर्कल ले लिया जो उसको टच कर रहा है 0, 2 पर, तो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, रेडियस क्या हो जाएगा उसका, जीरो, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपना x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा इनटू इस लाइन को क्या कर रहा है, ये 0, 2 पे टच कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन लैम्बडा इनटू ये लाइन l, l है अपना y माइनस 2 लैम्बडा इनटू y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अपने सामने क्या आ गया, एक इक्वेशन निकल के आ गई इसी। अब मेरे को क्या करना है, लैम्बडा को यहां से गायब करना है ना, एलिमिनेट करना है, तो क्या करूं मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लूं, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, या ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट लैम्बडा इनटू सीधी कर लेते हैं y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखो तो क्या आ रहा है, 2x प्लस 2 इनटू y माइनस 2 इनटू y डैश प्लस लैम्बडा इनटू y डैश बराबर 0। जैसे मैं देख पा रहा हूं यहां से यदि मैं लैम्बडा की वैल्यू निकाल लूं तो y डैश लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, 2 से डिवाइड, चलो ऐसे हो जाएगा 2x प्लस 2 इनटू y माइनस 2 इनटू y डैश और अपॉन में आ जाएगा y डैश, यानी कि ये dy / dx है इक्वल टू माइनस लैम्बडा, इक्वल टू माइनस लैम्बडा आ गया। तो अब इस वैल्यू को उठा के अपन कहां रख दें, इक्वेशन में अपनी, कौन सी वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इस सब कर दो, इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर दोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्या आएगा आपके पास, x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस माइनस आ जाएगा। तो माइनस के बाद देखो सीधा बाय डैश से डिवाइड करोगे, तो देखो डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 2x * x dx dy रिवर्स कर दो उसको, ठीक है, बिल्कुल सर, प्लस सब कुछ ब्रैकेट में लिखना है तो बिल्कुल बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, प्लस 2 प्लस twice of y minus 2 क्योंकि y dash cancel out हो गया, y dash cancel out हो गया equal to 0, ठीक है ना। इस मतलब सर ने क्या किया, इसमें आपको family of circle की question लिखनी है, तो family of circle के लिए क्या किया, एक line given है आपको y equal to 2 और एक circle इस line को 0, 2 पे क्या करता है, touch करता है, तो आपको इस circle की क्या चीज question, तो 0, 2 पे touch करने वाले कितने circle होंगे, infinity circle, infinite circle, तो आपको क्या लिखना, family of circle की question लिखनी है, तो family of circle की question क्या होती है, हाँ s plus lambda equal to 0, तो s का मीनिंग क्या माना सबने, एक फिक्स्ड सर्कल ऐड किया जिसका सेंटर 0, 0, 0, 2 और रेडियस है रेडियस टेंडिंग टू 0 और लाइन तो पता ही है y - 2 0, ठीक है। तो देन इसको पुट करो आंसर जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट। तो देखो इसमें क्या करना है आपके पास, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1 रूट एक्स वाई की डिग्री भी क्या होगी 1 आ जाएगी। तो जब भी होमोजेनियस हो तो सिंपल क्या करते हैं y इक्वल टू यू एक्स, तो देखो y इक्वल टू यू एक्स लेट करने के बाद इसका क्या करोगे, डी वाई डी एक्स करोगे, तो u प्लस एक्स डी वाई डी एक्स और अब कुछ नहीं करना, आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ गया u प्लस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू, बस y को पुट करना है ux, ux तो ये आ गया ux अपॉन x माइनस x रूट u, बिल्कुल सर, x से कैंसिल आउट और u को राइट से शिफ्ट कर लोगे तो क्या आ गया x dy dx इक्वल टू, देखो ये रह गया आपका 1
यू अपॉन वन माइनस रूट यू माइनस माइनस के जी। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो देखो माइनस यू कैंसिल, तो देखो क्या गए एक्स डी यू वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस यू कैंसिल और माइनस माइनस प्लस यू रूट यू मतलब यू की पावर थ्री बाई टू अपॉन वन माइनस रूट यू वन माइनस रूट यू आ गया। इसके बाद क्या करो वेरिएबल सेपरेशन, तो दिस पार्ट को तू से ले आओ और dx अपॉन x को उसके डिवाइड में, तो क्या गए 1 माइनस रूट यू अपॉन रूट यू अपॉन यू रूट यू यू की पावर थ्री बाई टू डी यू इक्वल टू वन बाई एक्स डी एक्स अपॉन एक्स। क्या करो दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन, तो देखो इसको सेपरेट डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन यू की पावर थ्री बाई माइनस थ्री बाई टू सॉरी ऊपर लेके जाओ तो यू की पावर माइनस थ्री बाई टू, तो इसका तो क्या होगा माइनस यू की पावर माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ माइनस रूट यू से यू टू कैंसिल, तो वन अपॉन यू का एल एन यू इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी लिख लेते इसको, ठीक है। तो ये आ गया बेटा माइनस के टू यू रूट यू यू की पावर माइनस हाफ, तो देखो यू की वैल्यू कितनी है वाई बाई एक्स, तो वाई अपॉन एक्स की पावर माइनस एक्स रिवर्स होकर रूट एक्स अपॉन वाई बन जाएगा बेटा रूट एक्स में यू की वैल्यू क्या है y upon x, तो u की पावर आप की वैल्यू रूट वाई अपॉन एक्स, लेकिन इसका रिवर्स करोगे तो क्या जाएगा रूट एक्स अपॉन वाई, उनको वहां ले जाते हैं सबको एक साथ इक्वल टू क्या आ गया देखो इस सबको उधर ले आओ आप, तो ln abc का फॉर्मूला ln ऑफ abc, तो ln c u x या है u x और u की वैल्यू पुट करोगे आप y upon x अंडर रूट में, तो सीधे u x की वैल्यू आ गई ना y, तो सीधा आ गया ln cy, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में लाना है, अच्छा तो इसके अकॉर्डिंग इसका सीधा ऑप्शन हो जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन, ठीक है चलो नेक्स्ट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है ये, दी फैमिली कर्व्स दी फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। देखो सिंपल सी बात है कि अपने को दो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy / dx = this एंड dy / dx = ये, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो अब एक चीज सोचो थोड़ी सी, किसी कर्व है कोई कर्व का अपने डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव का अपने को क्या मिल गया एक तरीके से स्लोप मिल गया दोनों कर्व्स का किसी पॉइंट पर। तो अब आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है कि एक जो डीवाई अपॉन डीएक्स है, जैसे मान लो पहले वाला जो कर्व है वो ये है और दूसरा जो कर्व है वो ये है, तो अब दोनों कर्व एक जो टच कर रहे हैं कट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ना ये अपने को देखना है। तो एक्जैक्टली आप देखो तो दोनों के दोनों के हैं काफी सिमिलर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में ये और ये वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो दोनों के एक्जेक्टली दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ना, तो अपन ये कह सकते हैं कि दोनों जो कर्व्स हैं जो जहां तक कट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं उस पॉइंट पर दोनों की टेंजेंट की जो स्लोप आ रही है वो क्या है दोनों माइनस वन अपॉन एम1 एम2। तो क्या हो रहा है दोनों इसका स्लोप लेट एम1 है इसका स्लोप लेट एम2 है, तो दोनों एम1 एम2 का प्रोडक्ट आ रहा माइनस वन, इसका मीनिंग इसके कॉमन पॉइंट पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे दोनों टेंजेंट क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये आ गया कि बोथ कर्व्स आर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, तो इसका ये मतलब देख के कर सकते हो सीधे ना, हां सीधा हो जाएगा तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा बिल्कुल। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, दी डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स पार्ट वेयर c इज आर्बिट्री कांस्टेंट इज ऑर्डर एंड डिग्री। एक डिफरेंट एक कर्व गिवन है आपको, तो इसके रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर और डिग्री आपको करना पड़ेगा। तो देखो उसमें a की आर्बिट्री कांस्टेंट है c, तो आपको c का क्या करना है ऑर्डर तो बना दिया पक्का, ऑर्डर तो इसका बनोगा क्योंकि वन आर्बिट्री लेकिन तीन ऑप्शन है इसमें, हां तो ये तो नहीं होगा। डिग्री के लिए क्या करो इसका कर दो एक बार डिफरेंशिएशन 2y y डैश इक्वल टू 2c क्योंकि x का 1 c का 0। अब आपको c की वैल्यू पुट करनी थी, काम करो इसमें c की वैल्यू पुट कर देते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू एक काम करो c की वैल्यू पुट करने चलो लिख ही देते हैं, तो आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 2 c की वैल्यू क्या होगी y y dash y y dash x plus. x plus root of बस इसको y y dash। अब आपको ये पता होगा कि जब भी आपको डिग्री को फाइंड करना है तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स है, मतलब उसको पॉलीनोमियल की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। काम करें चलो एक y से तो y कैंसिल हो गया ना, तो क्या रह गया y upon y dash minus x equal to अपन को रूट हटाना है तो आ गया root of y y1 देन आप जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या जाएगा y1 पे स्क्वायर आएगा और y1 पे स्क्वायर आने का मतलब फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है इसको, लिख देते हैं y y1 - x का होल स्क्वायर
होल स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई वन। तो देखो अभी भी ये पॉलीनोमियल की फॉर्मेट में नहीं है, तो उसको क्या करो y1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो y1 का क्यूब आ गया, तो इसका ऑर्डर तो 1 होगा, डिग्री 3 होगी, तो देन इसका बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। के बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। हां देखो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है अपने को, d2x / dy2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मेरे को पता है कि डबल डेरिवेटिव है, तो मैं क्या करूं, पहले आपको ये पता है कि dx / dy क्या होता है अपना 1 / dy / dx। यस सर। तो एक बात बताओ मेरे को, जैसे कि अब मेरे को इसका डबल डेरिवेटिव, सॉरी डबल डेरिवेटिव निकालना है, और विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है y, y के, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको अपन d2x / dy2 बराबर, अब 1 / x का क्या होता है -1 / x स्क्वायर, तो सीधे मैं लिख दूं -1 / dy / dx का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, और यहां पर और क्या आएगा d / dy किसका, dy / dx का। यस सर। अब आप देखो ध्यान से, तो यहां पे किसके रिस्पेक्ट करना है y के, लेकिन यहां पे क्या dy / dx, तो मैं क्या करूं, एक काम करूं dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर लूं, तो उससे क्या फायदा होगा, बहुत फायदा हो गया क्या, माइनस का 1 / तो ये चली जाए dy / dx का होल स्क्वायर, और देखो साथ में क्या आएगा यहां पर d / dx ऑफ dy / dx, तो क्या हो गया d2y / dx2, और साथ में क्या बचा यहां पे dx, और यहां क्या बचा dy, तो dx / dy क्या बन गया, दोबारा से लिख दूं यहां dx / dy। तो अब ध्यान से देखो, तो ये क्या है रेसिप्रोकल है इसका dx / dy का, तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा dx / dy का होल क्यूब बन जाएगा, माइनस dx / dy का क्यूब इनटू d2y / dx2, ये कौन आ गया d2x / dy2 आ गया, इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा, करेक्ट हो जाएगा, नहीं dx / dy है, dx / dy, तो ये देन dx / dy का होल क्यूब, हां dx / सॉरी माइनस 3 है ना पावर, सही लिखा है इसने, ये पावर माइनस 3 है, ठीक है ठीक है ना, तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहां पर आएगा 3, ये 3 होगा, इसका रिवर्स लिख सकते हो, तो dy / dx की पावर माइनस 3 होगा, बिल्कुल इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फॉर द प्रिमिटिव इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट y पॉजिटिव y इक्वल टू yx y1 इक्वल टू 1 देन y माइनस 3, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आपको y1 1 गिवन है c की वैल्यू मिलेगी और आपको y माइनस 3 बताना है। तो देखो उस क्वेश्चन को करने के दो ऑप्शन है, देखो इसमें अपन वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं इसमें होमोजीनियस लगा सकते क्योंकि नॉन होमोजीनियस है, बिल्कुल, तो इसमें अगला पार्ट आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक तो काम क्या कर सकते हैं इसको लीनियर डिफरेंशियल से कर सकते हैं, काम करें इसको dx से डिवाइड कर देते हैं अपन, dy से कर लेते हैं, dy से कर सकते हो एक मेथड, तो एक इसको आप dy से डिवाइड करो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक शॉर्टकट मेथड क्या, देखो आप इस dxy को ले आओ, इसको आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल में भी क्या कर सकते हो कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे फटाफट आंसर जाएगा, और y स्क्वायर dy को आपने राइट में शिफ्ट किया, अब देखो ढंग से ये y dx - h dy है, तो इसको y स्क्वायर से डिवाइड कर दो बेटा, कुछ वो माइनस माइनस की dy, और अब आप इसको देखोगे तो पता है क्या चीज है, d x / y का डिफरेंशिएशन है, ठीक है सर, बिल्कुल सर, माइनस ऑफ dy दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो इधर से तो d हट गया, तो क्या गए x / y इक्वल टू माइनस वाई, तो प्लस वाई इक्वल टू सी, अब सी की वैल्यू के लिए देखो एक्स को मान लेने पे वाई बने, तो एक्स और वाई को वन पुट करोगे बेटा तो सी टू आ गया, तो देन अपना कर्व आ गया एक्स अपॉन वाई प्लस सी सॉरी प्लस वाई इक्वल टू टू टू, अब आपको वाई माइनस थ्री की वैल्यू चाहिए, तो इसमें एक्स को पुट कर दो माइनस थ्री, तो एक्स को माइनस थ्री लेने पे क्या आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू टू वाई, सबको एक तरफ ले आओ, तो y स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो जब इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक को, तो इससे y की दो वैल्यू मिलेंगी y थ्री एंड y माइनस वन, बट क्वेश्चन में बोला गया कि y आपका पॉजिटिव है, तो ये लेना नहीं है मेरे को, तो ओनली क्या आंसर जाएगा y इक्वल टू थ्री, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है अपने पास, f डैश x गिवन है अपने को और डोमेन और कोडोमेन दे रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने को जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है fx, ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करें फंक्शन को लिख लेते हैं ना, तो y इक्वल टू fx है, तो dy / dx क्या हो जाएगा यहां से f(x), तो अपन क्या करते हैं गिवन फंक्शन को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कैसे चेंज कर लेते हैं, dy / dx इक्वल टू 2 माइनस y / x, इसको ले लो, अब अपन क्या कर लेते हैं, देखो सीधे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं dy / dx प्लस
प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू टू। तो ये क्या बन गई अपनी एल डी ई यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें वो अपन किससे करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के। तो छोटा सा काम है, कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई टू दी पावर वन। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर्म में तो क्या होगा यहाँ पे, वाई डी एक्स आएगा, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो क्या हो गया यहाँ से, ये एक्स आ गया एल एन एक्स हो जाएगा, और ई की पावर में एल एन एक्स क्या आ जाएगा एक्स। तो आई एफ आ गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अपना एक्स। तो इसका सोल्यूशन कैसे मिलता है अपने को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू यानी कि ये क्यू एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी। मेरे को बताओ उसको क्या गया, आगे चलते हैं, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। देन इससे सर वाई आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में शायद गिवन है अपन को y 1 पर 1 है, x 0 से ग्रेटर है, बिल्कुल 0 अगर 0 से ग्रेटर है तो अपन x से क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड डिवाइड कर दो, y आ गया x plus cyx। इसके बाद देखो क्वेश्चन में बोला गया कि f of 1 not equal to 1, f of 1 अगर not equal to 1 है तो देखो x को 1 पुट करने पे, x को जब इसमें 1 पुट करोगे आप तो y 1 है। तो देखो एक बार देखते हैं अपन कि पुट x equal to 1 और y को 1 लेट करने पे क्या होगा, 1 से 1 चला गया तो c equal to 1 आ रहा है, c equal to कह रहा है 0, but question ने बोला कि f of not equal to 1 मतलब x not equal to 1 y not equal to 1 then c not equal to 0 मतलब इसमें c 0 नहीं होगा, ध्यान रखना अपन को बस। अब उसके बाद ये तो हटा दो सर, स्पेस में आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, रिमूव कर दो इसमें से ये वाला। तो देखो अपन बात करते हैं इसमें क्या पूछा गया अपन से, कि अपन को 1 by 1 सारे ऑप्शंस को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बोला गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f डैश x अपॉन 1 अपॉन x। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो लिख लेते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f डैश 1 by x। तो देखो ये तो सिंपल है क्वेश्चन, इसके लिए काम करते हैं अपन कि जो अपन को फंक्शन आया y गिवन है, y का मतलब f डैश x है, सॉरी fx है, तो सीधा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, और इस जो फर्स्ट पार्ट है ना इसको तो सीधा क्वेश्चन से भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल, बट उसमें प्रॉब्लम भी होगी क्योंकि इसमें एफ ऑफ जीरो आने वाला है, तो उसमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू अपन जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ऑप्शन है कि इसको करो सॉल्व आप। तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स का वन माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स है, तो अपन को एफ डैश वन अपॉन एक्स पुट करना है। तो एक्स को जब वन अपॉन एक्स पुट करोगे बेटा तो क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और ये हो जाएगा 1 माइनस c स्क्वायर, 1 माइनस cx स्क्वायर, तो 1 माइनस c x स्क्वायर 1 आ रहा है। तो देखो c 0 सॉरी x को जब 0 पुट करोगे तो ये लिमिट क्या जाएगी आपकी 1 आ रही है। तो देन इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट करेक्ट। अब अगर आप चाहो तो सेकंड थर्ड ऑप्शन को वेरीफाई करो तो ये आंसर फॉल्स होगा। चलो एक काम करते हैं थर्ड ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं, जैसे लेट लिमिट x tends to 0 plus x square into f dash x, तो एक काम करो x square into x square f dash x की वैल्यू क्या अपने क्वेश्चन में, f dash x की वैल्यू है x c minus c upon x square 1 minus c upon x square। तो जब आप x square से मल्टीप्लाई करोगे हां तो सही है, तो क्या आ गया लिमिट x tends to 0 plus x square minus c। तो देखें आप x tends to 0 पुट करोगे आप तो 0 आ गया ना, तो सॉल्व करने पे आ गया माइनस के c व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, और क्वेश्चन बोला गया c नॉट इक्वल टू 1 तो इसका आंसर सॉरी c नॉट इक्वल टू 0 तो इस लिमिट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। बट अपने क्वेश्चन में जो ऑप्शन गिवन है उसमें इसको क्या बोला गया, 0 c 0 बोला गया, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सिमिलरली आप 1 बाय 1 सारे ऑप्शन को वेरीफाई करोगे तो सारे फॉल्स आने वाले, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है, जेई का क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस में आया था, बट आंसर इसका केवल वन ही टिक करना था आपको। हाँ चलो ठीक है सर, ठीक है। हाँ अगले जो थ्री क्वेश्चन है वो पैसेज के क्वेश्चन है, तो चलो पहले पैसेज को पढ़ते हैं। एक कर्व गिवन है y इक्वल टू fx और जो इस कंडीशन को क्या करता है सेटिस्फाई, और लोकल मिनिमम वैल्यू उसकी 5 है कब x इक्वल टू, मतलब x को 1 लेने पे y आपका 5 है, डेफिनेशन 0 है। तो x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमम वैल्यू है, इसका मीनिंग f डैश 1 0 है और f of 1 की वैल्यू आपको गिवन है 5, ठीक है। तो देखते हैं इसका यूज क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पहले इस कर्व की बात करते हैं, तो जब इस कर्व का इंटीग्रेशन करोगे
तो सीधा क्या आ गया बेटा, dy/dx equal to 3x square minus 4x plus c plus c। उसके बाद अपन को पता है f dash 1 आपका 0 है, f dash 1 का मतलब x को 1 लेने पे dy/dx आपका 0 है। तो बेटा जब dy/dx को 0 और x को 1 पुट करोगे तो c आपका आ जाएगा 1। ये कर सकते हो आप, c बना गया तो देन आपका जो कर्व है वो क्या होगा, y को dy/dx equal to 3x square minus 4x plus 1। एक बार अगेन इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन dx को शिफ्ट करके, तो सीधा कर्व आ गया y equal to x cube by 3 minus 2x square plus x plus c। उसके बाद आपको पता है x को 1 लेने पे y 5 गिवन है, मतलब x को 1 पुट करोगे तो y आपको 5 गिवन है, तो देन कितना आ रहा है c की वैल्यू 5 आ गई, 1 और 1 2 तो c 5 आ गया, लो इंप्लाई दैट c इक्वल टू 5, c 5 आ गया तो अपना कर्व आ चुका है y इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। अब आपको देखो जो ऑप्शंस है उनमें क्या-क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट बताओ 0 से 2 में, तो dy/dx कर दें इसका। तो चलो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करो, इस कर्व का कर दो dy/dx तो अपने पास ऑलरेडी है ना, तो इसका जो dy/dx है वो कितना है 3x² - 4x + 1, बिल्कुल दो वैल्यू जा रही है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 3x - 1 x - 1 सही शायद ही, बिल्कुल। देखो ये आपका 1/3 पे 0 है 1 पे प्लस माइनस प्लस, तो ये लोकल मैक्सिमा होगा, ये लोकल मिनिमा, तो इसके टू क्रिटिकल पॉइंट है और दोनों 0 से 2 के बीच में है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपको फिल करना है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ y = f(x), मतलब आपको ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम का मतलब उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो जो अपना क्वेश्चन है उसमें जो गिवन है वो क्या है, x आपको गिवन है 0 से 2। जब भी आपको किसी कर्व के अंदर डोमेन गिवन हो और आपको क्या करना है उसकी रेंज करनी फाइंड आउट, तो एक ऑप्शन फिक्स ऑप्शन क्या है बाउंड्री, आप फंक्शन की वैल्यू 0 2 पे निकालो और क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करो। तो देखो सबसे पहले तो जो f(x) है आपका y, f ऑफ 0 की वैल्यू तो क्या होगी 5, f ऑफ 2 की वैल्यू बताना सर, 2 पुट करो तो 8 7 7 होगी। उसके बाद f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी सर, वही 5 5 5 6 7 - 2 5 होगी, और f ऑफ 1/3 की वैल्यू और देखनी है, ये निकाल लेते हैं, ये लिखनी पड़ेगी 1.27, रफ कॉपी में कर लेते हैं 1/27 तो गंदा सा आंसर आएगा, 1 - 6 + 9 + 135 से चलो देख लेना, 10 145 में से 6 है तो कितना बचता है 130 45 6 9 20 7, तो मतलब 5. समथिंग आ गया ये। हाँ, तो सिंपल सी बात ये 7 सबसे ज्यादा होगा, सबसे छोटी वैल्यू 5 है और सबसे बड़ी वैल्यू 7 है। तो देखते हैं 1/1 ऑप्शन क्या-क्या पूछा है, सो क्लियर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी इसकी 5, मिनिमम वैल्यू तो 5 होगी इसकी, तो फर्स्ट ऑप्शन टिक कर दो और बाद में ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 7, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, f(x) इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑन द इंटरवल माइनस इनफिनिटी से इनफिनिट सच दैट f1 इक्वल टू 5, और अपने को कह रहा है लिमिट a टेंडिंग टू x है, क्या है लिमिट a टेंडिंग टू x, मतलब a चेंज a टेंड कर रहा है किसको x को, तो कितना वैल्यू आ रहा है इसका 2, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखो अपने को ना f(x) और f(x) निकालने हैं, तो पहले मैं क्या करूं f(x) निकालने की कोशिश करता हूं यहां से, तो पहले लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जब आप a को x रखोगे तो क्या हो रहा है 0 x f(x) - x f(x) / x - x, तो यानी कि 0 0 की फॉर्म बन रही है। तो क्या कर लो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू a, तो a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा f(x) - x f(x) / a / 1 - 0, और लिमिट क्या है अपनी a टेंडिंग टू x। अब रखो आप x a की जगह x, तो a की जगह x रखोगे तो ये आ गया f(x) - x f(x) - x = 2, तो यहां से डिफरेंशिएट इक्वेशन हो गई है x * dy/dx - f(x) + 2 = 0।
अब ये देखो ध्यान से, तो 1x से मैं डिवाइड कर दूं इसको, तो क्या बन जाएगा ये dy by dx, इसको अपन y लिख लेते हैं ना, तो माइनस का 1 अपॉन x और ये y बराबर इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन x। यस सर। अब आप देखो ध्यान से, वही हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के LDE बन रही है। LDE में क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर में माइनस का 1 अपॉन x dx, ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन x का क्या हो गया, 1 अपॉन x ही आ जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ log x और माइनस 1 अपॉन x, तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है अपना, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर equals to इंटीग्रेटिंग फैक्टर into qx, तो माइनस का 2 अपॉन x dx, तो x से x क्या हो गया, x square हो गया। तो आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, ये माइनस का 2 अपॉन x square, तो माइनस 2 तो निकाल लो बाहर, 1 अपॉन x square हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x, यानी कि प्लस का 1 अपॉन x प्लस c, तो यहां से ये आ रहा है आपका निकल के y अपॉन x इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस c। अब मेरे को क्या चाहिए था, आप देख लेते हैं, x से मल्टीप्लाई कर दो उसको, अपन को कुछ और नहीं, तो देखो y इक्वल टू आ गया सर 2 प्लस प्लस cx। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करें आप, क्या पूछा था, c की वैल्यू के लिए कुछ बोला है किसने, fx हैज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, हां f of 1 आपको, अच्छा f of 1 5 दे रखा है ना, तो f of 1 पे 5 है, तो 5 माइनस 2 c 3 आ गया, तो c की वैल्यू आ रही है अपनी 3, c को 3 पुट करोगे तो है ना, f1 y1 अपन को दे रहा है, c को 3 पुट करने पे ये हटा देते हैं एक बार, बिल्कुल c, तो y इक्वल टू आ गया yx plus 2, बिल्कुल एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन अपने पास, y बराबर आ गया 3x plus 2। अब आप ध्यान से देखो, देखो ये जो लाइन है, हाँ। क्या इस पे कभी इंफ्लेक्शन पॉइंट आएगा, नहीं आएगा, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, कंटीन्यूअस ग्राफ है अपना, तो ये तो गलत हो गया, f(x) 3 सही है, f(x) हां बिल्कुल स्लोप इसका 3 है, बिल्कुल सही है, ये गलत है फर्स्ट वाला, थर्ड ऑप्शन तो सिंपल है, स्लोप इसमें इसका इंटीग्रेशन करो क्या आ जाएगा, 3x2 upon 2 प्लस 2x। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो वन बाय टू ऑप्शंस को, ये भी सही है, 4 12 6 10 सही है, बिल्कुल। और एरिया में क्या करना है, देखो एरिया तो बहुत सिंपल है, लाइन है तो प्रॉपर ये लाइन है ना, हाँ। तो ये 2 x को 0 पे 2 माइनस के 2y3, तो एरिया आ जाएगा 2y3 हाफ बेस इनटू y, ठीक है ना, तो इसका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन इसके करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस है। उसके बाद देखो सर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 आपको एक कर्व की इक्वेशन गिवन है और इसका सॉल्यूशन गिवन है दिस पार्ट, तो बताओ ए बी सी की वैल्यू कैसी रहेगी। तो काम करें अपन इस कर्व को सॉल्व करते हैं पहले, बिल्कुल, तो उसमें लिख सकते हैं वेरिएबल इक्वेशन लगा सकते हैं इसमें, बिल्कुल सर, तो क्या आ गया dy / y = dx / x² और सीधा कर दो बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो ये तो आ गया ln y + ln c = - k 1 / x² माइनस वन बाई एक्स प्लस सी। अब देखो वन अपॉन एक्स का कंटीन्यूटी क्या होगा, माइनस के वन अपॉन एक्स, ये एल एन सी एड कर ना, इसमें सर दो चीजें करनी पड़ेंगी अपन को, ये जो अभी क्या ऑप्शन इसी टाइप से गिवन है, अपन देखो दो ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इधर सी ले दो, देखना अभी सबको आ जाएगा समझ में, अगर आपने सी राइट साइड में एड किया तो इसके अकॉर्डिंग तो देखो वाई क्या आ गया, ई की पावर में दिस पार्ट, हाँ, और ई की पावर सी सी माइनस के वन अपॉन एक्स, बिल्कुल आपको पता है कि पावर हो तो सेपरेट कर सकते हैं, तो e की पावर c into e की पावर के माइनस के वन वाई है, ये कांस्टेंट है, इसको अपन a नेम दे देते हैं क्योंकि ऑप्शन में फॉर्मेट यही है आपका, इसको a लेट कर दो ना, तो a e की पावर माइनस वन वाई है, तो देखो इसको जब उससे कंपेयर करोगे तो a तो आ गया सर e की पावर c और b कितना आ गया जीरो, मतलब b तो जीरो है और a e की पावर c है, तो सिंपल सी बात यह है कि इसमें a आप जीरो तो ले नहीं सकते ना, सिंपल सी बात है e की पावर c की जो वैल्यू है हमेशा क्या होगी, 0 से इनफिनिटी, मतलब अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बट आप अगर इसमें क्या करोगे ln c को राइट साइड में ऐड कर दो, इसमें दो केस लेने पड़ेंगे, आप अगर c को राइट साइड में ऐड करोगे तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको क्या पता चला कि a आपका 0 से ग्रेटर है और b 0 है, एक बार अपन c को लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं तो जब लेफ्ट साइड में लिखोगे तो आप ln c कर दो क्योंकि उससे ln ab का फॉर्मूला, तो ln c प्लस ln y इक्वल टू माइनस के वन वाई एक्स, तो क्या गया ln c y, मतलब c y ln c y इक्वल टू माइनस वन वाई एक्स, तो c y इक्वल टू आ गया e की पावर माइनस वन वाई एक्स, तो देन y इक्वल टू आ गया बेटा वन अपॉन c e की पावर माइनस के वन अपॉन एक्स, तो देखो इससे बेनिफिट ये होगा कि b तो इसमें भी जीरो है और इसमें जो a है वो कितना है अपना 1/c, 1/c, तो इसमें केवल यही कंडीशन है कि 1/c, तो ये 1/c कभी जीरो हो नहीं सकता ना, क्योंकि a जीरो कब होगा, सब c को प्लस माइनस इनफिनिटी लोगे वो ले नहीं सकते, तो इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं
ए नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी सी को नॉन जीरो कुछ भी लो, ये इसको क्या करेगा, ऑलवेज सेटिस्फाई। तो अगर आप एल एन सी को लेफ्ट मेड करोगे तो सीधा फर्स्ट ऑप्शन आ गया, और आपने ये लिखा तो फिर आपको ये देखना ही पड़ेगा बाद में, ठीक है ना। तो अभी इसके अकॉर्डिंग ए आपका आर माइनस जीरो होगा, बी जीरो होगा, बी नॉट इक्वल टू वन गलत है। हाँ बी जी, अब बी जीरो लेना है, बी को वन ले नहीं सकते अपन उसमें, बिल्कुल। और बाद में ए टेक फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब ए की फाइनाइट वैल्यू में नहीं, ए की वैल्यू इंटरवल है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो ओनली इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं सर जी, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1/√t सैटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, अपने को एक डिफरेंशियल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड गुड, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपन सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, इक्वल टू में माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो इसको सिंपल अपन वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा आराम से, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करो आप, dy इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दिया मैंने एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे हो गया वाई सी भी, मतलब बाद में लगा, बाद में लगा लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को सीधा सी लेट कर दो उसमें, एक्स हाँ ना एक्स स्क्वायर टी कर देंगे तो वही आएगा, पूरे लेट कर दो, कुल मिला के आ गया ई की पावर टी, ई की पावर टी टी आ जाएगा, और माइनस एन क्या हो गया उसके साथ चला गया dt, तो e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, तो माइनस का x square by 2 आ गया। इसमें सर ने क्या किया देख लो एक बार, प्लस c, सर ने माइनस x square by 2 को t लेट किया, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस x dx equal to माइनस dt, तो जब आप x dx की वैल्यू माइनस dt लोगे तो क्या गया e की पावर t dt, देन इसका कर्व आ गया y equal to e की पावर माइनस x square by 2 plus c, और इसका ना उसके बाद और क्या पूछा सर, c की वैल्यू भी दे रखी हुई ना, c की वैल्यू के लिए बोला गया है, ये कर्व आपका x1 और y1 अपॉन √3 से पास करा हुआ, तो x को वन लेजर बना होगा, c 0 आ गया इसमें, c 0 आ जाएगा बिल्कुल, हां c को 0 ये भी 1 और y भी 1, हाँ। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, c 0 आ जाएगा, तो ये तो वैल्यू क्या होगी 0, तो अपने पास ग्राफ जो वो कर्व जो आ गया वो आ गया y = e की पावर - x² y = e की पावर - x² y 2, बाकी सब हटा दो सर। अब अपने पास जो अब अपन बात करते हैं 1 / 1 ऑप्शंस की, कि ऑप्शंस में क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है fx is differentiable at x equal to 0, fx is symmetric with respect to the origin, तो देखो ये जो कर्व है ये आपका इवन फंक्शन है ना, तो इवन फंक्शन का डायग्राम ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसका गलत होगा, ठीक है। उसके बाद सॉरी सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग होगा, आपको इसको इंक्रीज डिक्रीजिंग डिफरेंशियबिलिटी और इसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको फाइंड आउट करने, तो एक काम करो सर इसका क्या करें, dy/dx कर दें, निकाल लेते हैं, तो dy dx तो भी आया भी था ना, इसका dy dx क्या होगा, माइनस x की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2, देखो नंबर लाइन बना लो आप, ये तो नॉन जीरो है आपका, जीरो माइनस प्लस जीरो पे dy dx, तो जीरो पे dy dx इसका जीरो आ रहा है, इसका मतलब जीरो पे क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा, और जीरो पे होगा लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमा। अब इसने फोर्थ ऑप्शन में क्या पूछा सर, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए क्या करोगे, डबल डैश, तो d स्क्वायर y / dx स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से देखो, x का किया तो चलो माइनस तो बाहर रखो, x का वन तो ये आ गया, और बाद में इसका दोबारा से भी आ जाएगा सेम, x स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2, इसका माइनस x होगा तो बन गया माइनस के x स्क्वायर, ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये वाला पार्ट तो कॉमन आ गया, प्लस या फिर सीधे एक काम करो, e की पावर माइनस माइनस e की पावर x बाय 2 कॉमन लोगे आप, तो क्वेश्चन आ गया x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस के 1, दो पॉइंट्स आ रहे हैं, और जहां पर डी अगर बात करोगे तो आप तो प्लस माइनस 1 इसके फैक्टर होंगे, डेरिवेटिव 0, देन माइनस 1 एंड 1, तो प्लस माइनस प्लस, मतलब डबल डैश आपका दो पॉइंटों पे 0 है, इसका मीनिंग इसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट होंगे माइनस 1 एंड 1, तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, हां fx इज डिफरेंशिएबल करेक्ट है, नॉट सिमेट्रिक ये रॉन्ग होगा, fx इज इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही बात है, तो आ गया ना कि जीरो से लेस पे पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे इंक्रीजिंग और बाद में डिक्रीजिंग होगा, और डबल डैश पे तो इसके दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होंगे, ठीक है। और अगर आप बात करो तो इसका डायग्राम बन गया ऐसे, यू तो सिमेट्रिक है, जीरो पे वैल्यू ये है और बाद में लोग, ठीक है ना, इस तरीके से देखो इवन फंक्शन हो गया। और कुछ पूछा है तो इसका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेंगे, उसके बाद चलो फटाफट से दो क्वेश्चन और देख लेते हैं।
y dash equal to y plus 1 है, एक इजी क्वेश्चन है, दे पूछ रहा हूं, तो ये क्या लगेगा, dy upon dx equal to y plus 1, equal to y plus 1, तो वेरी वेल सेपरेबल से अपन क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 upon में y plus 1, dy equals to tx, तो यहां से अपने पास आ जाएगा ये, ln y plus 1 equals to x plus c, यहां पे अपने को 0 पुट करने पे y 0 पर 1 है, तो ln 2 आ गया, c, हाँ, c ln 2 आ गया, तो अपन क्या करें, ln2 का निकालना है वैल्यू, तो y ln2 कितना जाएगा यहां से, y of ln2, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है, तो निकाल दो, एक बार c को पुट कर दो सर इसमें, ln, तो गुणा भाग c को लेंगे क्या पता, x plus ln2, तो ln2 को जब लाओगे तो अपॉन में आ गया ना, y plus 1 upon 2, ln equal to x, तो देन y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y plus 1 upon 2 आ गया इससे, e की पावर x, ठीक है, तो फंक्शन ही आ गया y plus 1 equal to 2 e की पावर x, और सिंपल सी बात है, x को जब ln 2 लोगे तो सीधे 4 बन गए, तो 4 बन गया तो y equal to क्या जाएगा, 3 आ गया, जिसका 3 आंसर अपन को फिल करना है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्या करना है, f आपका गिवन है 1 से इनफिनिटी से 2 से इनफिनिटी, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन बोला गया कि fx आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f of 1 to a और ये एक इक्वेशन गिवन है, तो बताओ f of 2 क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो वेरिएबल, तो सीधा क्या करते हैं, लेवली रूल से डिफरेंशिएशन, तो क्या जाएगा, 6 अपर लिमिट का किया तो fx x का 1 माइनस 0 लोअर लिमिट का 0 इक्वल टू, इसमें लगाओ फर्स्ट इनटू सेकंड fx, तो x का करोगे तो 3fx प्लस प्लस 3x fx f dash x minus 3x square, 3x square, तो सर ये कितना आगे देखना है तुम्हारे, देखो 6fx equal to, तो 6fx equal to 3fx, तो इधर आ गया 3fx equal to 3x f dash x, 3x f dash x f dash x minus 3x minus के 3x, इसी से डिवाइड कर लेते हैं सर, अब पहली बात तो सुनो, 3 तो कैंसिल आउट हो गया, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर भी कन्वर्ट हो सकती है, एक काम करो अपन लिख लेते हैं, लेट y equal to fx, तो y को fx लेने पे आ गया x dy dx, इसको उधर ले जाओ तो माइनस के y इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर x से डिवाइड कर लेते हैं, x से आप इसको डिवाइड कर दो, तो देन ये क्या आ गया, dy dx माइनस y अपॉन x इक्वल टू x, तो देखो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, लिख देते हैं एक बार फटाफट, if इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन x dx, देन आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन e की पावर माइनस ln x, तो e से e कैंसिल करोगे तो 1 by x आ गया, तो देन सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, y into if y to y upon x equal to इंटीग्रेशन ऑफ x into 1 upon x x dx आ गया, बिल्कुल, तो dx का क्या होगा x, तो ये आ गया y upon x equal to x plus, x plus, अब आपको करना क्या है, x को 1 लेने पे y 2 बोला गया, 1 तो 1 2 तो c 1 आ गया, तो c की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू सर 1 होगी ना, 1 आ गया, x को 1 लेने तो c आपका 1 आ गया, तो c को जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो सिंपल कर्व आ गया y equal to x square plus, plus x, अब क्या पूछा है इसने, देखो f of 2 की वैल्यू बताओ, बिल्कुल 4 और 2 6, तो इसका 6 आंसर आपको फिल करना है, ठीक है ना, चलो बेटा थैंक यू, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपन।